टेक्निकल ग्रुप के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की हम वीडियो के बारे में बात करेंगे कि एसबीआई का जो कोड आता है कोड 88 एरर, तो जिसमें हमारे एक स्लिप निकलती है जिसमें लिखा होता है रिस्पांस कोड 88 088 सॉरी, तो वो क्या है, मतलब कि वहां पर लिखा जाता है अनेबल टू प्रोसेस। तो आइए आज हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि हमारे पैसे है जो क्यों विड्रॉल नहीं होते। एसबीआई जो बैंक है वो सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का, बहुत ही इसके ब्रांचेस है, इंडिया में भी है बाहर भी है, और मोर देन 200,000 यहाँ पर जो एम्प्लॉय काम करते हैं, और 2017 से ये काउंट किया गया था। तो मेन हेडक्वार्टर जो इस बैंक का है वो बम्बई महाराष्ट्र में है। सच्चाई की बात ये है कि अभी जो एवरीडे क्या हो रहा है कि ये कैशलेस ट्रांजेक्शन चेंज हो रही है, एसबीआई जो फॉलोइंग है प्रोवाइडिंग एटीएम को जो न्यू अकाउंट दे रहा है हर दिन नए कस्टमर को, नई नई स्कीम्स आ रही है, तो उसका भी ये कारण हो सकता है। और सबसे पहले आपको मेन कारण की बात बताता हूँ, बहुत सारे एरर आते हैं तो उसके मशीन के अंदर, तो सबसे एक कारण है एरर कोड 088 अनेबल टू प्रोसेस इश्यू। तो इन जनरल टर्म में इसका क्या होता है कि ये तभी एरर आता है कि अगर आप जो अपना जो कार्ड यूज कर रहे हैं वो ओल्ड मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड होता है जो एसबीआई ने बंद कर दिया होता है, और दे आर ऑफरिंग ईएमवी कार्ड चल रहे हैं तो वो उसको बोलते हैं, लेकिन फिर भी जो होता है कि जो एरर उसमें आ जाता है। जब हम किसी एटीएम में या किसी शॉप में जाते हैं तो हम ट्राई करते हैं विड्रॉल मनी का या ट्रांजेक्शन करते हैं शॉप पे, तो ये एरर 88 आता है। सो दिस मीन कि जो जो चिप कार्ड है वो नॉट गेटिंग रेडी गेटिंग रीड बाय दैट एटीएम और पीओएस मशीन, जो विड्रॉल वाली मशीन होती है उसमें वो जो एक इश्यू है वो फेस करता है। और कुछ कस्टमर का तो ये कहना होता है कि उन्हें 10 दिन हो चुके हैं कार रिप्लेस करने को बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू यूज, और वो अभी तक भी वो ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। ये काफी एक इरिटेशन वाला पंगा हो जाता है, और ये एसबीआई की डायरेक्टरी में भी ये एरर मेंशन नहीं किया गया है। और आपको मैं कुछ टिप्स बता देता हूँ कि जिससे आप वो प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपने जाना है, इनकेस अगर आपने ये मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड यूज कर रहे हैं, विजिट योर नियरेस्ट एसबीआई ब्रांच एंड रिप्लेस विद ईएमवी कार्ड। और सेकेंड रीजन आप चेक कर लीजिए कि आपका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट तो नहीं हो चुका है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो अगर आपका कोई कार्ड है ना वो आप कभी कभी पॉकेट में मत रखो नियर द मैग्नेटिक थिंग या कोई कीज के पास, या तभी भी इसमें प्रॉब्लम आता है एंड यू शुड ट्राई टू क्लीन इट एवरी डे। और लास्ट में जो अपने कार्ड को साफ रखो, कई बार होता है कि कार्ड के ऊपर थोड़े से दाग लगे होते हैं तो आप उसको साफ कर सकते हैं और आई थिंक आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अगर आप नहीं होता तो आप बैंक को बोलो कि हमें लेटेस्ट कार्ड प्रोवाइड करें। और थैंक यू इस वीडियो को अब तक सुनने के लिए, लेकिन यही है कोड 088 एरर। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।